हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम इंदर अकेडमी को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग टावर की और कल्टीवेशन के लिए जा रहे होते हैं। तभी ट्रेनिंग टावर की गर्मी बढ़ने लगती है और आसपास की जमीन भी हिलने लगती है और ट्रेनिंग टावर की छत पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मैग्मा के अंदर एक इंसान दिखाई देता है, जिसे देखते ही सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह और कोई नहीं जवयान था। जो भी जिंदा था वही फर्स्ट एलर भी उसे देखकर हैरान होता है, जिसके बाद जवयान मैग्मा से बाहर आता है और फर्स्ट एलर से कहता है कि मैं वापस आ गया, जिस पर फर्स्ट एलर कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी जिंदा हो। तभी जवयान अपनी 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके मंच पर आ जाता है, लेकिन जवयान की इतनी फास्ट स्पीड देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि जवयान की पावर क्या होगी। इसलिए फर्स्ट एलर जवयान और लिंशुआ की कमबैक फाइट करने को कहते हैं। वह लिंशुआ भी इसके लिए तैयार होता है, इसलिए दोनों बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं। वहीं लिंशुआ को देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि वह इनर अकेडमी का एल्डर बन गया था, साथ ही वह वर्ल्ड जीत का लीडर भी था, इसलिए इनर अकेडमी के सभी लोग लिंशुआ की पावर को जानते थे। वहीं जवयान 2 साल से घर था, इसलिए वह इनर अकेडमी में एक लीजेंड बन गया था क्योंकि वह एक युवा होकर लाओवांग के वॉरियर को हरा सकता था। तभी मैदान के बाहर से एक आवाज आती है कि आप 5 गेट के नेता हो और आप हार नहीं सकते। ये सुनते जवयान उनकी तरफ देखता है जहाँ पर कोई और नहीं 5 गार्ड के मेंबर थे। उन्हें देखकर जवयान खुश हो जाता है, जिसके बाद फर्स्ट एलर सभी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लिंशुआ जवयान के कितने अटैक सहन कर पाएगा, और कहते हैं कि जवयान की ताकत के हिसाब से ज्यादा 3 अटैक। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि लिंशुआ 5 स्टार दाओवांग पर था, इसलिए 3 अटैक में उसे दाओवांग का वॉरियर भी नहीं हरा सकता था। लेकिन फर्स्ट एलर समझाते हैं कि जवयान की वर्तमान ताकत बहुत अधिक है। तभी लिंशुआ अपनी बॉडी से गहरे हरे रंग की तुर्की निकालकर अपने भाले में भर देता है और जवयान पर अटैक कर देता है। अभी अटैक जवयान की ओर रहता। तभी जवयान अपनी लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके बैटल ग्राउंड में घूमने लगता है। अब जवयान की इतनी फास्ट स्पीड देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि सभी लोगों को लग रहा था कि जवयान अभी भी वहीं खड़ा है। तभी जवयान अपने हाथों में डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम निकालता है और एक ब्लेड बनाकर लिंशुआ की गर्दन की ओर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही लिंशुआ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे नहीं रोक पाता और ब्लेड उसके गर्दन से आधा इंच दूर रुक जाता है। ये देखते ही पूरा माहौल शांत हो जाता है क्योंकि जवयान ने लिंशुआ को एक अटैक में हरा दिया था। वहीं लिंशुआ भी जवयान की तारीफ करता है, जिस पर जवयान कहता है कि मैं ये होली फ्लेम की वजह से कर पाया। वहीं फर्स्ट एलर कहते हैं कि तुम दाओवांग के पीक पर हो, साथ ही तुम्हारी होली फ्लेम भी काफी पावरफुल हो गई है, इसलिए तुम लिंशुआ को एक अटैक में हरा पाई। लेकिन तभी जवयान को क्वीन मेडुसा के होने का एहसास होता है जो उस पर 7 कलर की लाइट से अटैक कर देती है। इसे देखते ही जवयान उसे बचने वाला था। तभी फर्स्ट एलर शील्ड बनाकर जवयान को बचा लेते हैं, लेकिन इस अटैक की पावर बहुत अधिक थी, जिसे बाकी स्टूडेंट भी बहुत मुश्किल से सहन कर पा रहे थे। तभी फर्स्ट एलर कहता है कि किस कीमत हुई जो मेरे स्टूडेंट पर अटैक कर रहा है। तभी आसमान से एक पोर्टल बनता है और वहाँ से क्वीन मेडुसा बाहर आते हैं और जवयान को भूलने लगते हैं, लेकिन वह एक बार फिर से जवयान पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार फर्स्ट एलर जवयान के सामने आकर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार होता है और सभी लोग पीछे हट जाते हैं। वहीं फर्स्ट एलर और क्वीन मेडुसा भी थोड़ी दूर हो जाते हैं क्योंकि दोनों की पावर बराबर थी। जिसके बाद क्वीन मेडुसा फर्स्ट एलर से कहते हैं कि मैं सिर्फ जवयान के लिए आई हूँ, मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगी। ये सुनते सभी लोग जवयान की तरफ देखते हैं और फर्स्ट एलर जवयान से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर जवयान हाँ कहता है और क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि अब तुम फ्री हो। ये सुनते ही क्वीन मेडुसा को काफी गुस्सा आता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें मार कर जाऊंगी, लेकिन बीच में फर्स्ट एलर बोलते हैं कि हम बैठ कर बात सुलझा सकते हैं। लेकिन क्वीन मेडुसा फर्स्ट एलर पर कोई ध्यान नहीं देती और जवयान से कहते हैं कि ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी, कभी ना कभी दोबारा आओगी, और ये कहते ही वहाँ से चल जाते हैं। जिस पर फर्स्ट एलर कहते हैं कि तुम्हें अपने मामलों को सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जवयान कहता है कि ये सब भोलानाथ फ्लेम की वजह से था, जिसे मैंने रिपाइन किया था। अब भोलानाथ फ्लेम की रिपाइन की बात सुनते ही फर्स्ट एलर हैरान होते हुए कहते हैं कि तभी रिपाइनिंग टावर में कल्टीवेशन धीमा हुआ है और कुछ दिनों में वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ करना होगा। और फिर जवयान को मानव निर्मित भोलानाथ फ्लेम बनाने को कहते हैं क्योंकि वे जवयान से भोलानाथ फ्लेम नहीं ले सकते थे क्योंकि उसने इंदर अकेडमी को बचाया था। जिसके बाद जवयान मानव निर्मित भोलानाथ फ्लेम बनाता है और फिर वह फर्स्ट एलर से हान पैंग के बारे में पूछता है, जिस पर फर्स्ट एलर कहते हैं कि वह ब्लैक कॉर्न रीजन में और वह ब्लैक अलायंस का लीडर भी है। जिस पर जवयान कहता है कि आपने इंदर अकेडमी का बदला हान पैंग से क्यों नहीं लिया। लेकिन फर्स्ट एलर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैक अलायंस में बहुत ही पावरफुल लोग हैं, पर जवयान कहता है कि मैं उनसे बदला लेकर ही रहूंगा। तभी फर्स्ट एलर जवयान से कहते हैं कि तुम्हें क्वीन मेडुसा के साथ हमारे मामलों को सुलझा लेना चाहिए, अब तो वो ब्लैक अलायंस में शामिल हो जाएगी। लेकिन जवयान कहता है कि मुझे विश्वास है कि वह ब्लैक अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगी। लेकिन तभी फर्स्ट एलर धीरे से कहते हैं कि तुम्हारा भाई भी ब्लैक कॉर्न निजन में है। ये सुनते जवयान हैरान होते हुए कहता है कि मेरे भाई को क्या हुआ। जिस पर फर्स्ट एलर
कहते हैं कि जब तुम्हें भोलानाथ प्लेन ने निकल लिया था तब हमने तुम्हारे भाई को बचाने के लिए हेल्प भेजी थी, लेकिन सिर्फ 2 महीने में ही वह दाऊ के लेवल पर था और उसने ब्लैक और निजम में एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया था और उनके साथ मिलकर वह ब्लैक अलायंस के लोगों को मारता है जिनकी वजह से तुम्हें भोलानाथ प्लेन ने मारा था, वह तुम्हारा बदला ले रहा है। पेपर टेलर आगे कहते हैं इस वजह से ब्लैक अलायंस के बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन गए हैं और तुम्हारे भाई को घृणा भी शुरू कर दिया है, इसलिए वह इस टाइम ठीक नहीं है। जिस पर जेवन चिंतित होते हुए कहता है कि क्या आप मेरे भाई का पता जानते हैं, लेकिन पेटेलर इसके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए जेवन हॉल से बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे लिनियन मिलता है और वह लिनियन से इसके बारे में पूछता है, जहाँ पर लिनियन कहता है कि पेटेलर ने तुम्हारे भाई की रक्षा के लिए मुझे भेजा था, लेकिन उस टाइम उसकी पावर बहुत ज्यादा थी और वह एक नॉर्मल दाऊएंग को आसानी से हरा सकता था, लेकिन उसकी रुकी बहुत ही अलग थी। जिस पर जेवन चिंतित होते हुए कहता है कि मैं अभी वहाँ जाऊँगा, जिस पर लिनियन कहता है कि आपको अपने साथ हेल्पर लेने चाहिए क्योंकि सामने वाली टीम बहुत ही मजबूत है और उनमें दाऊएंग के वॉलेट भी हो सकते हैं। और फिर वह आगे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई को ब्लैक अलायंस के लोग घेर रहे हैं और उनका लीडर फैनलाव है, और फैनलाव का नाम सुनते ही जेवन को काफी गुस्सा आता है और फिर वह लिनियन से कहता है कि मैं हेल्पर कहाँ से लूँ। जिस पर लिनियन कहता है कि पान गैंग के मेंबर काफी पावरफुल हो गए हैं, इसलिए वे अब तुम्हारे काम आएंगे। ये सुनकर जेवन पान गेट की ओर निकल जाता है। यहाँ पर जियान जेवन को बताते हैं कि यहाँ पर 14 टाउलिंग के वॉरियर हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत होंगे। वही जियान 2 सालों में अभी भी छोटी बच्ची जैसी थी, इसलिए जेवन जियान से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बिल बनाऊंगा जिससे तुम अपना रूप बदल सकती हो। ये सुनकर जियान काफी खुश हो जाते हैं और जियान और फिर जेवन सभी का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हम जीत कर ही लौटेंगे। इंडियन अकेडमी में इस वजह से काफी हंगामा होता है और जेवन के साथ बहुत सारे लोग आते हैं और पेटेलर भी जेवन की पावर जानते थे, इसलिए वह उन्हें नहीं रोकते हैं, जिसके बाद जेवन सभी के साथ अपने भाई की ओर निकल जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।